हेलो गाइस, गेमिंग इम्पैक्ट एक और न्यू वीडियो के अंदर तुम सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, लास्ट मैंने एक वीडियो डाला था जो कि अपडेट के ऊपर था। सो उस वाले वीडियो पे बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया, बट कुछ लोगों को उसके ऊपर शायद कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम था जो कि फिलहाल अभी मैं उसके ऊपर बताने वालों। एंड उसी के साथ यहाँ पे मैं और भी कुछ न्यू चीज़ है जिसके ऊपर आज मैं बात करने वालों, जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैंस के ऑफिशियल चैनल पे एक रिसेंटली एक यहाँ पे लाइव स्ट्रीम हुआ था, उसमें यहाँ पे एक इमेज लीक किया करवाया, मतलब एक इमेज लीक हुआ है, तो उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि वो चीज़ मेनली क्या हो सकता है। उसी के साथ और भी कुछ न्यू मैं इन्फॉर्मेशन देने वालों, कुछ चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वालों, एंड कुछ शायद यहाँ पे छोटे से इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा अपकमिंग अपडेट के बारे में, जिसको शायद तुम लोगों को समझना होगा। मतलब मैं यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे धीरे से बोल दूंगा कहीं भी, तो उसको तुम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। सो आई होप तुम लोग इसको इजीली समझ पाओगे, तो पूरा वीडियो देख लेना। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, सो पूरा वीडियो देख लेना एंड आखिर में वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। सो चलिए यार, बिना टाइम के वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले अगर तुम में से कोई भी अजमेर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो जल्दी से यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को जरूर दबा देना, जैसे कि मेरे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो तुम लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। सो अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं हम लोग के जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर। सो रिसेंटली क्लैश ऑफ क्लैंस के ऑफिशियल जो चैनल है उसमें एक लाइव स्ट्रीम हुआ था यहाँ पे, तो उसमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था, मतलब अपकमिंग जो अपडेट है उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था। एंड वो लगभग एक घंटे से थोड़ा सा, मतलब लगभग एक घंटे तक का ये लाइव स्ट्रीम हुआ था, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था, अपकमिंग अपडेट के ऊपर कुछ डिस्कशन किया गया था, तो अभी उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे एंड में हम लोग का एक इमेज दिखाया गया जिसके ऊपर अभी बहुत ही ज़्यादा हाइप बना हुआ है, जहाँ से कि अगर तुम लोग यहाँ पे रेडिट पे सर्च करोगे और ऑफिशियल जो फोरम है सुपर सिल्वर जो फोरम है वहाँ पे अगर सर्च करोगे, इंस्टाग्राम पे एंड उसी के साथ फेसबुक पे बहुत सी जगह पे मैंने देखा है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर हाइप बना हुआ है, मतलब बहुत से लोग इसके ऊपर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। एंड यूट्यूब पर भी मैंने बहुत से वीडियोज़ देखे इसके ऊपर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत से यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो आज हम लोग इसके ऊपर ही बात करने वाले कि ये चीज़ क्या हो सकता है एंड इसके साथ और क्या क्या आ सकता है नेक्स्ट वाले अपडेट के, मतलब नेक्स्ट वाले अपडेट में और क्या क्या हो सकता है, तो इन सब के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट अपडेट पे सबसे पहले हम लोगों को क्या मिल सकता है, एक शायद न्यू ट्रूप मिल सकता है जो कि मेन विलेज का हो सकता है, मतलब जो यहाँ पे इमेज दिखाया गया है वो क्या हो सकता है, शायद वो एक न्यू ट्रूप हो सकता है जो हम लोग के मेन विलेज है उसके ऊपर एक न्यू ट्रूप हो सकता है, या फिर बिल्डर हॉल के ऊपर एक न्यू ट्रूप हो सकता है, या फिर कोई सुपर ट्रूप हो सकता है, या लिटरली सुपर ट्रूप हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुपर ट्रूप हो सकता है क्योंकि रिसेंटली हम लोग के गेम पे सुपर ट्रूप आया है एंड हम लोग के पास बस अभी चार ही सुपर ट्रूप है। सो ऑफकोर्स सुपर सेल के हिसाब से और भी कुछ सुपर ट्रूप ऐड करना चाहिए हमारे गेम में, सो मुझे भी ऐसा ही लगता है शायद ये सुपर ट्रूप होने वाला है। तो अभी कौन सा सुपर ट्रूप होना है यार, देखते अभी क्या होता है। तो इस मैंने बहुत से वीडियो देखा यूट्यूब पे, बट एक चीज़ के ऊपर शायद लोगों ने गौर नहीं किया, यहाँ पे जो इमेज था इसके बैकग्राउंड जो था गाइस ये टाउनल 8 था, तो ये एक सोचने वाली बात थी, ये टाउनल 8 है। सो क्या हो सकता है यार, क्या टाउनल 8 में कोई न्यू ट्रूप हो सकता है, अभी किसे पता यार, अभी अपडेट तो आने वाला है तो किसे पता अभी ये क्या हो सकता है, बट हाँ शायद ये कोई न्यू ट्रूप हो सकता है जो कि टाउनल 8 पे होने वाला है। अभी पता नहीं क्या होने वाला है, बट देखते ये क्या होने वाला है। सो अगर टाउनल 8 का कोई ट्रूप हुआ तो ये कौन सा ट्रूप हो सकता है, सो इसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। तो गाइस शायद तुम लोगों को पता है सुपर सेल कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, मतलब बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों के गेम पे ऑलरेडी आ चुका है, जैसे कि जो हम लोगों का स्कैटर शॉट है, एक्चुअली स्कैटर शॉट का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था, वो एक कॉन्सेप्ट था उसको यहाँ पे गेम पे लाया गया है। उसी के साथ यहाँ पे बिल्डर हॉल का क्लॉक टावर एंड उसी के साथ जिम माइन एंड साथ में हम लोगों जो येटी है, ये सब एक एक कॉन्सेप्ट था एंड और भी बहुत सी चीज़ें जो कि कॉन्सेप्ट था बट स्टिल हम लोगों के गेम पे लाया गया है। सो इसी हिसाब से एक और कॉन्सेप्ट बनाया गया था जो कि था लावा बेबी ड्रैगन, सॉरी लावा हाउंड, जो बेबी लावा हाउंड होता है जैसे कि नॉर्मली हम लोग को जो लावा हाउंड है वो है टाउनल 9 पर अनलॉक होता है एंड उसका जो स्पेस है वो 30 का होता है, बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था बेबी लावा हाउंड जिसका शायद स्पेस होगा 15 एंड ये छोटा सा होगा एंड इसका जो हिट पॉइंट है वो भी लावा हाउंड से शायद थोड़ा सा कम होगा। ये एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था एंड ये जो ट्रूप है इसको टाउनल 8 के लिए बनाया गया था जो टाउनल 8 पे अनलॉक होगा। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया बनाया गया था, मतलब मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोज़ देखा, बहुत पुराने कुछ वीडियोज़ है इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट बनाया गया था, तो ऐसा हो सकता है। अभी पता किसको है, ऐसा हो सकता है कि ये शायद हम लोग का बेबी लावा हाउंड हो सकता है। तो अभी देखने के बाद ये है कि ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। सो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसके अलग भी कुछ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो जो पॉइंट्स है उसके ऊपर अगर बात करें, सबसे पहले टाउनल 8 बैकग्राउंड में था, उसके बाद लावा लावर हाउंड हो सकता है, जो बेबी लावा हाउंड ये हो सकता है,
उसके बाद यहाँ पे ये बेबी इन्फर्नो ड्रैगन हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सी यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर बात किया। बेबी इन्फर्नो ड्रैगन शायद ये है जो कि हम लोग क्लैश रॉयल में जो ये वाला ट्रूप है जो हम लोग का बेबी इन्फर्नो ड्रैगन, ये क्लैश रॉयल में है। अगर जो जो भी यहाँ पे क्लैश रॉयल खेलते हो तुम लोगों से, उन लोगों को शायद पता है कि बेबी इन्फर्नो ड्रैगन क्लैश रॉयल में है, तो लिटरली क्लैश रॉयल में है। एंड ऐसा हो सकता है कि क्लैश रॉयल के ट्रूप को हमारे मेन गेम में लाया जा सकता है, जैसे कि हम लोग के मेन गेम क्लैश ऑफ क्लैंस में यहाँ पे है इलेक्ट्रो ड्रैगन, बट स्टिल यहाँ पे क्लैश रॉयल में भी एक शायद बेबी इलेक्ट्रो ड्रैगन या फिर शायद इलेक्ट्रो ड्रैगन नाम का एक ट्रूप है हम लोग के क्लैश रॉयल में। तो ऐसा हो सकता है जैसे क्लैश रॉयल में बेबी इन्फर्नो ड्रैगन है ऐसा ही इसमें भी आ सकता है, तो ऐसा हो सकता है यार किसे पता। एंड इसी के साथ शायद बेबी इलेक्ट्रो ड्रैगन भी हो सकता है, मतलब बेबी इलेक्ट्रो ड्रैगन जैसे जो हम लोग का बेबी ड्रैगन ही होगा बट इसके मुंह से इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब जो करंट है ये आएगा। बट मुझे नहीं लगता ये बेबी इलेक्ट्रो ड्रैगन होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है ये बेबी इन्फर्नो ड्रैगन होगा जो कि इन्फर्नो के जैसा आग निकलेगा, जो कि हम लोग के क्लैश रॉयल में जो जो भी क्लैश रॉयल खेलते हैं उन लोगों को पता है इसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है ये बेबी इन्फर्नो ड्रैगन होगा, अभी देखते हैं यार क्या होता है। देखते हैं यार, अपडेट अभी भी थोड़ा बाकी है, मतलब कुछ दिन अभी भी बाकी है, कुछ स्नीक पीक आना बाकी है और थोड़े थोड़े लीक्स आना बाकी है, बहुत नहीं बट यस लगभग यहाँ पे एक मंथ के अंदर हम लोग को अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके डेट के ऊपर भी हम लोग आगे जाके बात करेंगे कब हो सकते हैं अपडेट, तो देखते हैं अभी कब आता है। तो वैसे अभी इसको अलग मतलब इसको छोड़ के अगर कुछ और बात करें अपडेट के ऊपर तो वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस बस एक ही सुपर ट्रूप नहीं आने वाला, अगर ये सुपर ट्रूप हुआ, मतलब अभी जो ये जो इमेज लीक हुआ है, अगर ये एक सुपर ट्रूप हुआ तो इसके छोड़ के भी और भी कुछ सुपर ट्रूप आने वाला है। तो अभी कौन से सुपर ट्रूप होने वाले इसके ऊपर अभी अगर हम लोग बात करें, सो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है आर्चर का, जैसे कि जो हम लोग पहले के अगर हम लोग यहाँ पे दिखाया तुम लोगों को, वेट मैं दिखाता हूँ सभी लोगों को ठीक से दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ पे बार्बिडियन का है, गॉब्लिन का है, जाइन का है, वर्ल्ड ब्रेकर, बट यहाँ पे बीच में जो आर्चर है आर्चर को यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो ऐसा हो सकता है आर्चर के ऊपर एक न्यू सुपर ट्रूप बन सकता है, किसे पता यार, आर्चर के ऊपर हो ही सकता है। एंड इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट भी बनाया गया है फायर आर्चर, तो हो सकता है ऐसा कुछ सुपर ट्रूप आएगा जो कि आर्चर से रिलेटेड हो। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो पावरफुल, ज्यादा ही पावरफुल ट्रूप जो कि ज्यादा यूज होता है, एंड कुछ ऐसे ट्रूप जो ज्यादा यूज नहीं होते, इनके ऊपर अगर हम लोग कुछ बात किया जाए, इसके ऊपर भी कुछ सुपर ट्रूप बन सकते हैं, सुपर ट्रूप के वर्जन बन सकते हैं जिसके साथ इसका जो यूज है ये बहुत ज्यादा हो। जैसे कि अगर ऐसा बात करें तो जो हम लोग का वैलकरी है, वैलकरी को लोअर टाउनल बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, बट जो हायर टाउनल है जैसे कि समझ लो टाउनल 12, टाउनल 13, तो इन वाले टाउनल्स पे बहुत ही कम यूज होता है वैलकरी। तो ऐसा हो सकता है वैलकरी का कुछ न्यू सुपर वर्जन आ जाए, अगर ऐसा आया तो बहुत ही बढ़िया होगा, लिटरली बहुत बढ़िया होगा अगर ऐसा कुछ आ जाए। एंड उसी के साथ ऐसा हो सकता है बॉलर का न्यू एक वर्जन आ जाए, जैसे कि अगर बात किया जाए बॉलर, अब भी हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ बॉलर, बट ऐसा हो सकता है बॉलर के भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए जाइंट हम लोग यूज करते हैं, बहुत से लोग जाइबो ही यूज करते हैं, और भी बहुत से यहाँ पे जाइंट का स्ट्रेटजी से जो कि लोग यूज करते हैं, तो स्टिल जाइंट का आया। तो ऐसा हो सकता है वैलकरी का आ सकता है, साथ में एक बॉलर का आ सकता है, विच का आ सकता है, जैसे कि जो लाइव स्ट्रीम हुआ था उसमें बताया गया था विच के ऊपर भी कुछ बताया गया था। तो ऐसा हो सकता है विच का एक न्यू सुपर ट्रूप आ सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है हॉक्स का भी शायद एक सुपर वर्जन आएगा, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है यहाँ पे विच आएगा, आर्चर, हॉग राइडर एंड बॉलर का, शायद यहाँ पे ड्रैगन का भी, ऐसा कुछ कुछ मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ सुपर वर्जन आ सकते हैं अपकमिंग डेज पे। तो पता नहीं अभी क्या होगा, ऐसा हो सकता है गाइस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा शायद कुछ हो सकता है। सो अभी इनको छोड़ते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो पे स्टार्टिंग पे ही बताया कि आज हम लोग कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि तुम लोगों को समझना होगा। तो अगर बताया जाए कि यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट पे मेरे लिए क्या होने वाला है, तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ यार, किसी को मत बताना, बस पर्सनली मैं तुमको ही बता रहा हूँ, किसी को मत बताना ये चीज़। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट अपडेट में शायद हम लोग को जो डार्क क्लिक्सर है, डार्क क्लिक्सर की जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब हम लोग के नेक्स्ट अपडेट के बाद जो हम लोग के पास डार्क क्लिक्सर होते हैं, डार्क क्लिक्सर की चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगेंगे, क्योंकि अब एलिक्सर के चीज़ हम लोग के पास बहुत ही ज़्यादा है। एंड अगर हम लोग ठीक से कंपेयर किया जाए तो जब हम लोग का टाउनल 12 आया था, टाउनल 12 में आया था यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन, एंड उसके बाद हम लोग का एक डार्क क्लिक्सर का एक ट्रूप मिला था जो कि था यहाँ पे आइस गोलेम, एंड उसी के साथ एक डार्क क्लिक्सर का स्पेल भी आया था। तो अगर इसी चीज़ को हम लोग ठीक से देखें तो हम लोग को टाउनल 13 आया, उसमें हम लोग का एलिक्सर का एक ट्रूप मिला जो कि था येटी, एंड उसके बाद शायद अभी एक हम लोग को डार्क एलिक्सर का ट्रूप मिल सकता है, शायद मिल सकता है, किसे पता, अभी अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा या फिर स्नीक पीक पे पता चलेगा। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है शायद हम लोग को डार्क एलिक्सर के कुछ न्यू ट्रूप मिल सकता है, एंड या फिर एक न्यू स्पेल भी मिल सकता है डार्क एलिक्सर का।
ऐसा लग रहा है यार, मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे ऐसा शायद हो सकता है नेक्स्ट अपडेट पे पता चल गया, फिर स्नीक पीक आने दो उस पर पता चल जाएगा कि ये होने वाला है, देखते हैं अभी क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। सो गाइस यही था मेरे लिए आज का वीडियो, एंड आज हम लोगों ने कुछ चीज़ों के ऊपर बात की, वो इमेज क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है वो इमेज जो है वो बेबी इन्फर्नो ड्रैगन हो सकता है जो कि क्लैश रॉयल में है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा शायद हो सकता है। सो अभी देखते हैं इसके ऊपर और भी चीज़ें होगा, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे इसके ऊपर, एंड कुछ और न्यू सुपर ट्रूप आने वाला है जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्द हम लोग को मिलने वाला है, और भी कुछ सुपर ट्रूप आने वाले जिसके ऊपर मैंने आज डिस्कस किया, मतलब मैंने जो जो बताया उसमें से शायद कुछ सुपर ट्रूप आ भी जाए, देखते हैं अभी क्या होता है। एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे बताया कि डार्क इलिक्सर का जो यूज़ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा नेक्स्ट अपडेट के बाद, सो देखते हैं अभी नेक्स्ट अपडेट पे कौन सा चीज़ आता है, अगर डार्क इलिक्सर का चीज़ बढ़ गया तो बहुत बढ़िया, मतलब मुझे लगता है कि डार्क इलिक्सर जो यूज़ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेरे पास अभी डार्क इलिक्सर का कुछ भी नहीं है करने के लिए, सो मुझे भी ऐसा लगता है अगर ऐसा कुछ हो गया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सो आज के लिए मेरे लिए यही वीडियो था, एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे, नॉर्मली आज हम लोगों ने कुछ लीक वगैरह मतलब बात नहीं किया, बट नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा चीज़ हो सकता है, एंड नेक्स्ट अपडेट पे और क्या हो सकता है, लिटरली यार नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे मैं एक अलग ही चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ, मतलब नेक्स्ट जो हम लोग का अपडेट का वीडियो होगा उसके ऊपर मैं एक अलग ही चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है शायद नेक्स्ट अपडेट पे, देखते यार वेट करो यार नेक्स्ट वीडियो के लिए, मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, एंड अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, हम लोग आज एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए, यस गाइस 500 लाइक्स प्लीज कंप्लीट कर देना, जैसे कि हम लोगों को जो लास्ट वीडियो था उसमें शायद हम लोगों का 500 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं, सो प्लीज़ इस वाले वीडियो पे भी 500 लाइक्स कंप्लीट कर देना, एंड जो जो भी चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों को अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।